ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो कौन बनेगा सुल्तान में। जी हाँ, कौन बनेगा सुल्तान में आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। रैलियों का दौर चल रहा है, रैलियां लगातार हो रही हैं। ऐसी ही एक रैली करने के लिए, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर साहब सहारनपुर पहुंचे। लेकिन सहारनपुर में कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बौखला गए, इसकी वानगी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी वानगी आप देखिए पहले, उसके बाद इस पूरी खबर पर बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर जरा सा धक्का लगने से अपना आपा खो बैठे। गुस्से से आग बबूला हुए राज बब्बर ने एक युवक के बाल नोच डाले। वो युवक कोई और नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लेकिन उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल राज बब्बर रविवार को सहारनपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज बब्बर गाड़ी से नीचे उतरे। उस वक्त वहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, हर कोई राज बब्बर के पास जाने के लिए उतावला नजर आ रहा था। इसी दौरान भीड़ में से एक कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मिलने के उतावलेपन में उससे राज बब्बर को हल्का सा धक्का लग गया। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नागवारा गुजरा। फिर क्या था, जन आक्रोश रैली में राज बब्बर का आक्रोश भड़क गया। अपनी फिल्मी जीवन में हीरो से लेकर विलन तमाम किरदारों में एक्शन दिखा चुके राज बब्बर फौरन एक्शन मोड में आ गए। गुस्से से लाल पीले राज बब्बर ने शेर की भांति युवक पर पिल पड़े। उन्होंने उसके बाल नोच डाले। जब उससे भी मन नहीं भरा तो उसका गिरेबान पकड़कर भीड़ से बाहर निकाल दिया। इस सारे ड्रामे के बाद राज बब्बर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए, लेकिन अपने साथ हुए इस वाक्य से सदमे में आया हुआ हुआ कार्यकर्ता वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी जिसकी उसे सजा मिली। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के दूसरे नुमाइंदे पार्टी धर्म निभाते हुए राज बब्बर के बचाव में सामने आ गए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने सफाई देते हुए कहा कि राज बब्बर को धक्का देने वाला शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। जिस तरह से उसने राज बब्बर को धक्का दिया था, उससे वह गिरने से बच गए। विडम्बना देखिए, कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राज बब्बर बामियान बुद्ध विहार पहुंचे और भगवान बुद्ध की श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। लेकिन जब खुद को हल्का सा धक्का लगा तो अहिंसा के सबसे बड़े महात्मा भगवान बुद्ध के अहिंसा के ही संदेश को भूल गए और अपना आपा खो बैठे और कार्यकर्ता के बाल नोच डाले। इससे पहले शनिवार को भी राज बब्बर के सहारनपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में फायरिंग की थी और उसका भी वीडियो वायरल हो गया था, लेकिन बाद में सफाई दी गई कि रैली में कोई फायरिंग नहीं हुई है बल्कि पटाखा फोड़ा गया है। वैसे अपने सियासी कैरियर में राज बब्बर पहली बार विवाद में नहीं आए। लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में भी उनके एक बयान ने भूचाल मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि 12 रुपये में मुंबई में भर पेट भोजन मिलता है। बब्बर ने कहा था कि मुंबई में 12 रुपये में थाली भरकर चावल दाल समेत खाना मिल जाता है और उसके साथ तड़के की झोंक भी रहती है वो अलग और उसके साथ तड़के की झोंक रहती है वो अलग। उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई थी, इससे यूपीए सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई थी। ताज़ा वाक्य के बाद राज बब्बर ने साबित कर दिया था कि वे केवल 12 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन ही नहीं खिलाते बल्कि ज़रा सा धक्का लगने पर दम भर मार भी खिलाते हैं। समाचार टुडे के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से राज बब्बर एक कार्यकर्ता के बाल नोचते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये वही राज बब्बर है जिन्हें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में फतेह के लिए कमान सौंपी है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, उनसे बात करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे सवाल जानना चाहूंगा, एक प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को बनाया गया है, नई नवेली कमान उन्हें मिली है, ऐसे में अगर वो एक कार्यकर्ता के बाल नोच रहे हैं, उसके बाल पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे आप कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार के व्यवहार को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हुआ क्या था लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको पूरा वाक्य बता दूं, ये पूरा वीडियो बताता है कि ये संगठन का मामला, कार्यकर्ता यदि हिम्मत करके अपने नेतृत्व से इस बारे में शिकायत करेगा राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो उसको तय करना है कि वो क्या निर्णय करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ता के बाल नोचे, क्या ये उनका अधिकार था, और अगर नहीं था तो प्रदेश अध्यक्ष का बड़प्पन इसी में है कि अपने कार्यकर्ता से सार्वजनिक खेत प्रकट कर दे जैसे सार्वजनिक उसके बाल नोचे थे, तो इससे कार्यकर्ता का भी मान रह जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष का भी मान रह जाएगा। अन्य सवाल ये उठ खड़ा होता है लक्ष्मीकांत जी के, एक प्रदेश अध्यक्ष को क्या ये शोभा देता है कि वो एक कार्यकर्ता के इस तरीके से भीड़ में जहां मीडिया के कैमरे चल रहे हैं, और इसका पटाक्षेप का तरीका ये कि प्रदेश अध्यक्ष स्वयं अपनी तरफ से खेत प्रकट कर दें तो उस कार्यकर्ता का भी मान रह जाएगा और इनका भी मान बढ़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि इन प्रदेश अध्यक्ष के सहारे कांग्रेस जो 27 साल यूपी बिहार का नारा दे रही है उस नारे को कांग्रेस को तय करना है कि वो इस प्रदेश अध्यक्ष के सहारे चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है? नहीं,
लेकिन ये निर्णय कांग्रेस का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ना मेरी कोई टिप्पणी ना मेरा कोई। क्या एक आम हिंदुस्तानी के नाते आपकी कोई प्रतिक्रिया है लक्ष्मीकांत जी इस पूरे मुद्दे को लेकर? हिंदुस्तानी के नाते मैंने प्रतिक्रिया दे दी कि जायज नहीं है कार्यकर्ता के साथ बाल नोचना, और उसे ये भी बता हल भी बता दिया उन्हें, अगर समझदार को इशारा काफी, अगर वो समझदार होंगे तो इसका लाभ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरी खबर पर। तो राज बब्बर साहब, आपके लिए एक नसीहत डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दी है। उनका कहना है कि अगर आप नैतिक हैं, नैतिकता आपको आप मानते हैं, तो आपको कार्यकर्ता से माफी मांग लेनी चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस को भी आपके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। जरूरी है कि एक प्रदेश अध्यक्ष होने से पहले आपको एक इंसान बनना होगा, आपको समझना होगा कि आप भीड़ में क्या कर रहे हैं। आप एक कार्यकर्ता के बाल नोच रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब जाता है कि आप भूल जाते हैं अपनी मर्यादाओं को, आप ये भूल जाते हैं कि कार्यकर्ता भी एक इंसान है। धक्का मुक्की धोखे से हो जाती है, धक्के किसी को भी लग सकते हैं। ऐसे में इस तरीके की बदतमीजी किसी भी कार्यकर्ता के साथ करना या किसी आम नागरिक के साथ करना, ये कहीं की भी इंसाफी नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए समाचार टुडे।